हेलो दोस्त, कल से लोगों का कमेंट आ रहा था आरटीआई आने के बाद। इवन 15 अगस्त था, थोड़े लोगों का स्वतंत्रता मना रहे थे, लेकिन उनका कमेंट था कि आरटीआई में कितने कैंडिडेट बढ़े हैं, यूआर का क्या हुआ, एससी का कितना हुआ, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, कम्युनिटी बाई एप्लीकेशन क्या हुआ, खास करके बिलासपुर की खाली बात कर रहे हैं। तो डाटा देखिए, एनालिसिस करने में टाइम लगता है और एनालिसिस में देखिए 100% कभी सही नहीं होता, 80% तक ही आप सही जा सकते हैं और उम्मीद भी है कि एनालिसिस 80% तक सही होगा या उससे ज़्यादा सही होगा। आरआरबी चेंज से करीब करीब 1.3 लाख कैंडिडेट और बढ़ गए, तो कट ऑफ सीबीटी 1 का एलपी सीबीटी 1 कट ऑफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपका क्या इरादा कर रहा है। तो देखिए, हमेशा रेलवे लाइफ आपको ट्रू वैल्यू लेके आया है एनालिसिस के रूप में, जितना पॉसिबल होता है, चाहे मेहनत घंटों करनी पड़ जाए। मैं शाम को करीब करीब अभी बैठा था 8 बजे, और अगर अभी वीडियो बना रहा हूँ तो 9:54 हो रहा है, घड़ी के कॉर्नर में आप देख लीजिए 9:54 हो गया, यानी हमको वीडियो डाटा बनाने में करीब करीब 1 घंटा 30-35 मिनट लग गए। 1 घंटा 30-35 में हमने जो डाटा निकाल के लाया है वो आपके साथ शेयर करूंगा सारा चीज़ें, और समझने की कोशिश करेंगे। और कैंडिडेट का इसमें सबसे पहले योगदान है कि उन्होंने आरटीआई लगाया और आरटीआई का जवाब 13 तारीख का आ गया था, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं भी बिजी था और 15 अगस्त, फिर उसके बाद आज भी काफ़ी बिजी रहा। तो 13/8/2024 को जो वैल्यू आया है वो 5,35,301, और उससे पहले आरटीआई हमने देख रखा था सेम, उसी का रिपीट ये भी 13 अगस्त का ही है। हालांकि 13 अगस्त में यहाँ जो संख्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है करीब करीब 4 लाख। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये क्लियर पता चल जाएगा कि ये डाटा पहले के आधार पे दे दिया गया और अभी का दिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस हम पैदा करेंगे तो 1.36 लाख कैंडिडेट आरआरबी यहाँ पे चेंज किए। तो आपका क्वेश्चन 1 का आंसर आपको मिल गया होगा कि आरआरबी में कितने ज़्यादा एप्लीकेशन फिर हुए, तो 1.6 लाख। लेकिन बहुत लोग नाराज़ होंगे कि आरआरबी बिलासपुर में 5,35,000 आ गए, तो आपका आरआरबी चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, आरआरबी इलाहाबाद है, मुंबई है, सिकंदराबाद है और कई आरआरबी है। तो आपके लिए तो एक और डाटा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ला देते हैं। क्या ला देते हैं, तो हम इसमें से 20 लाख मान लेते हैं, 19 लाख कुछ कैंडिडेट है घटा देते हैं, तो बाकी आरआरबी में केवल 15 लाख कैंडिडेट है, यानी बिलासपुर में सारे कैंडिडेट आ गए तो क्या होगा, तो 15 लाख आ गए। एनालिसिस समझते जाइएगा, यूट्यूब पे प्योर वीडियो कभी नहीं मिलता, समझ जाइएगा, अगर ओरिजिनल जेन्युइन वीडियो चाहिए तो। दो क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया, 15 लाख में 20 आरआरबी है। अब ध्यान दीजिएगा, 20 आरआरबी में बटेगा तो कई जगह तो 1 लाख भी कैंडिडेट नहीं होंगे, तो कंपटीशन कैसा होगा। तो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाइए, अच्छा ही होगा। दूसरी बात अगर बात करेंगे तो अब ये हो गया, अब तीसरी बात पे बात करना है। तीसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि बिलासपुर में ही सारा कैंडिडेट आ गए हैं, पूरी वैकेंसी का 1/4 कैंडिडेट आ गए हैं, सीधा मैं बात कर रहा हूँ, 1/4 मतलब 20 लाख का 5,35,000, एकदम बिल्कुल सही मैं बात कर रहा हूँ, यानी 20% नहीं 25% कैंडिडेट केवल बिलासपुर में है। तो यह अनुमान सही था या गलत था, पहले ही बोला गया था कि सही है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा कैंडिडेट, कम वैकेंसी कम कैंडिडेट, ये सिंपल से फॉर्मूला है, ऐसा ही लोगों का रुझान होता है। अब तीसरा क्वेश्चन तो मिल गया आपके पास, चौथा क्वेश्चन का आपके पास ले चलते हैं। तो आपका टोटल 20% कैंडिडेट 25% बिलासपुर में है, तो यहाँ कट ऑफ हाई जाएगा क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, तो लोग नाराज हो जाएंगे और जूते चप्पल फेंकने लगेंगे इधर उधर, किसी के सर फोड़ने के लिए, अपना कान खुजलाने के लिए या कोई और काम करने के लिए, कहेंगे कि यार कैंडिडेट तो सब यही है, कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाएगा। तो कहाई नहीं जाएगा, उसका कंसेप्ट वीडियो में आखिरी में मिलेगा, थोड़ा देर में मिलेगा, इसके लिए वेट कीजिए। यहाँ तक तो डाटा आपको समझ में आ गया होगा, चारों पाँचों प्रश्न आपको मिल गए होंगे, सारे सवाल का आंसर मिल गए होंगे, और आंसर मिलने के बाद अब आप आते हैं अपने डाटा में। अपना डाटा ये कहता है कि आरआरबी ने पहले ओल्ड वैकेंसी निकाला था फिर न्यू किया था, तो टोटल पहले वैकेंसी 1192 था उस पर, और अभी जो वैकेंसी निकाला बढ़ा के 2781 वैकेंसी बढ़ा के करीब करीब 7973 वैकेंसी कर दिया, तो हर कम्युनिटी की वैकेंसी बढ़ी, हर कम्युनिटी की वैकेंसी बढ़ी, तो कैंडिडेट आरआरबी में जितने बढ़े
कोर रेशियो में कम बढ़े वो पांचवा क्वेश्चन में आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव में। फाइव ने कहता है कि 1197 पे आपके करीब करीब 4 लाख कैंडिडेट थे, तो 4000 कैंडिडेट पे केवल 1.36 लाख कैंडिडेट बढ़े हैं, यानी 5,35,000 कैंडिडेट हुए हैं, तो आपका रेशियो उतना हिसाब से नहीं बढ़ा जितनी वैकेंसी बढ़ी है, इसलिए आपका कट ऑफ किया जाएगा कम रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, यानी इक्वेशन बराबर रहेगा। तो आप जूता चप्पल अपने अपने स्थान पे रख लीजिए, अपने संभाल के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कंसेप्ट तो यही कह रहा है कि वैकेंसी बढ़ा है, उसके रेशियो में कैंडिडेट यहाँ पे नहीं बढ़े हैं। हालांकि हर आरआरबी से यहाँ ज़्यादा कैंडिडेट है, लेकिन हर आरआरबी के वैकेंसी भी अगर देखेंगे तो टोटल अगर कहें कि वैकेंसी को अगर तुलना करना है तो आपका 18,700 कुछ है ना वैकेंसी जी, इसको भी अगर 19,000 मान लीजिए, इसको भी 4,000 मान लीजिए, इसको 20,000 वैकेंसी मान लीजिए, तो इसको भी 4,000 मान लीजिए, तो 20% वैकेंसी के लिए 25% कैंडिडेट हैं, तो ज़्यादा बहुत इक्वेशन बुरा नहीं है, समझ गए होंगे। तो ये सब एनालिसिस प्योर एनालिसिस मेहनत से निकलती है, आपको इतना आराम से नहीं कोई बता पाएगा, समझा नहीं पाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या बढ़ता है अभी इस एनालिसिस में, तो अब हमें एनालिसिस के बाद हमें एक डाटा मिल गया था कि हमें जो 4 लाख कैंडिडेट थे उसका कम्युनिटी वाइज इन्होंने बाइफर्केशन दे दिया था कि कोई कैंडिडेट कितने कितने हैं। तो यूआर में 46,000 हैं, एससी में 1,05,000, एसटी में 34,000, ओबीसी में 1,93,000, ईडब्ल्यूएस में मात्र 20,399 कैंडिडेट हैं। इसका बाइफर्केशन हमें काम आएगा 5 लाख में बांटने के लिए, और बांट के हम थोड़ा फार्मूला पे लाएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला कहता है वो कहता है कि अब के हिसाब से 5,35,000 कैंडिडेट हो गए हैं, तो यूआर में टोटल एक कैंडिडेट का रेशियो करीब करीब 62,291 के आसपास रेशियो है। ये कैलकुलेशन है, कोई आपका एक्चुअल डाटा नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसमें 1,40,000 आपके एससी में, 45,000 एसटी में, 2,59,000 यानी 2,60,000 आपके ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 27,299 कैंडिडेट हैं। तो बहुत डर लग रहा है क्या कटअप बोलने का? तो नहीं, अगर हम वैकेंसी टेबल को लाएंगे, वैकेंसी टेबल जो आपका न्यू वैकेंसी दिया हुआ है ये वाला 39,173 वाला, इसको एक फार्मूला की तरह हम शिफ्ट कर देंगे तो दो डाटा मिलेगा। जब पुरानी वैकेंसी थी बिना बढ़े हुए था तो बिलासपुर में यूआर में 55.20, एक पोस्ट पे 55.20 कैंडिडेट थे। कैसे निकाला है उसके लिए आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो अपने आप निकाल पाएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 55.20 हैं, कैसे निकला है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे एससी में तो 39.17 थे, एसटी में अगर बात करें तो 25.50 थे, अगर ओबीसी में बात करेंगे तो 40.42 थे, और ईडब्ल्यूएस में मात्र 11.42 एक पोस्ट के लिए। सीबीटी 1 की हम बात अभी कर रहे हैं, बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इतना कैंडिडेट भाग लेते तो 11 कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस को एक को निकालना है तो क्या है, बहुत कठिन कंपटीशन नहीं था पुराना में। लेकिन अगर ये हम नया में आ गए वैकेंसी होने के बाद, तो नया वैकेंसी में आने के बाद पर वैकेंसी कैंडिडेट की बात करेंगे तो यूआर में मात्र 22.16 कैंडिडेट है, यानी एक पोस्ट कैंडिडेट में सिलेक्शन होना है उसके बदले 22 कैंडिडेट हैं। बहुत बढ़िया कंपटीशन का लेवल नहीं है। एसएससी वगैरह में जाएंगे तो एक पोस्ट में 500, कई बार तो 5,000, कई बार 1,000, 2,000 ऐसे कैंडिडेट होते हैं पर पोस्ट पे, लेकिन यहाँ तो 22 कैंडिडेट में आपका कंपटीशन है। एलपी में आईटीआई और जेई में, एलपी के अलावा अपना डिप्लोमा होल्डर और डिग्री वाले भी हैं आईटीआई के अलावा, तो भी बहुत आसान कंपटीशन है। अब बढ़ गया है 15 एससी में, 10 एसटी में, और अगर ओबीसी की बात करेंगे तो पर वैकेंसी 16 कैंडिडेट और 4 कैंडिडेट आपका आपके बनते हैं ईडब्ल्यूएस में।
लेकिन एक मन में और सवाल आता है, फिर जीतते चप्पल नहीं खोली अभी पिता बाने रखी है कि यूआर में कम कैंडिडेट है, वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो 22 क्यों लिया हुआ है? तो इसका कंसेप्ट बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको मान के चलना है कि 22 होगा। कैसे होगा वो हम बाद में कभी समझाएंगे आपको, थोड़ा सा इसको अभी रहने दीजिए। तो हमने बोला था कि अपने जूता पहन लीजिए, उसको अब जूते के जुराब भी मान लीजिए कि वैकेंसी नहीं बढ़ी थी तब इतने का रेशियो कैंडिडेट थे, और वैकेंसी बढ़ गई तो रेशियो कम हो गया, यानी बेनिफिट तो है ही है ना। कैसे बेनिफिट हुआ? बेनिफिट इसलिए हुआ कि जितनी वैकेंसी बढ़ी उतना कैंडिडेट ने शिफ्ट आरआरबी नहीं किया। हो सकता है कुछ डाटा आगे पीछे बढ़ेगा, और ईडब्ल्यूएस वाले अलग को कह रहा हूँ कैंडिडेट बस भैया अपना क्वालिफाई मार्क्स पहले CBT 1 में ला लो, उससे ऊपर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि कंपटीशन है, कंपटीशन में सब कुछ आज ही बोलना सही नहीं है, लेकिन हाँ कैंडिडेट की संख्या, कैंडिडेट का रेशियो ये बता रहा है कि LP में अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ जिसका, उसका कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन अच्छा है, वैकेंसी बढ़ गई और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम अप्लाई किए थे। थैंक यू, धन्यवाद।